अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग सब खैरियत से होंगे और दुआ करूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन तुम आमीन। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज मैं गई थी शॉपिंग के लिए, मुझे एक कंटेनर बॉक्सेस चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो कंटेनर बॉक्सेस मुझे चाहिए थे वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो ये मैं ले आई। मुझे फ्रिज में चीज़ें स्टोर करना थी और ये 3 बॉक्सेस का मुझे सेट मिला है। और मैंने उस टाइम पे चेक नहीं किया, बट जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि फ्रिज में रखने वाला बॉक्स नहीं है। ये आपकी दूसरी कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह इस तरह की जो छोटी चीज़ें होती है उसमें रखने वाला बॉक्स है, बिल्कुल इस तरह निकल आएगा। ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है। मुझे अफसोस हुआ, मैंने पहले सोचा कि मैं इसको वापस करवा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसमें दूसरी चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ, कंटेनर बॉक्सेस मैं दोबारा ले लूँगी और इस बार मैं गलती नहीं करूँगी, मैं इसको पहले खोल कर चेक करूँगी। बहरहाल ये ज़ाया नहीं गए हैं, ये 3 बॉक्सेस का सेट है और इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। और ये तकरीबन जो है सेट मुझे मिला है 450 रुपीज़ का, इसमें एक्सपेंसिव नहीं है। अगर इसमें हाथ से देखा जाए कि छोटी छोटी चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती हैं। इसके अलावा जो आज मैंने चीज़ें परचेज की हैं वो ये हैं फ्रूट बास्केट, ये रेगुलर मुझे बहुत पसंद आया था, फेयर में था, तो ये 250 रुपीज़ का मुझे मिला है, ये मैंने परचेज़ किया है। और ये बहुत खूबसूरत बास्केट है तो ये भी मैंने परचेज़ कर ली, ये 150 रुपीज़ की थी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं टेबल पे, बिखरती नहीं है चीज़ें, मसलन आपका टीवी रिमोट, एसी का रिमोट, आपकी कीज़ वगैरह, मोबाइल चार्जर। और मुझे ये छोटी सी बास्केट्स पसंद आई थी, ये बास्केट्स मैंने ले ली। और ये मैंने किस पर्पज़ के लिए ली है, बच्चों के बिल्कुल भी खिलौने नहीं हैं, ये मैंने ली हैं मोबाइल को चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए किस तरह है ये मैं आपको अपनी एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी, वैसे मैं आपको भी बता देती हूँ। इसमें मैं रखूँगी अपना मोबाइल और यहाँ से चार्जर लगा कर इसको स्विच में रख दूँगी, तो मुझे डर नहीं होगा कि मेरा मोबाइल गिर जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बास्केट्स परचेज की हैं, उनके बच्चे हैं वो आते जाते हैं उनको पता नहीं लगता है, लेकिन एहतियात बेहतर है। और इसके बाद मैंने ये एक और छोटी सी बास्केट ली है और ये मुझे बहुत क्यूट डेलिकेट लगी थी, ये मैंने इसलिए ली कि ये फ्रिज में इजीली साइड डोर में रखी जाएगी, इसमें जो भी आपकी टेबलेट्स वगैरह होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ड्रॉपर्स वगैरह इधर उधर बिखरे हुए होते हैं तो आप इसमें डाल लो। और इस पर्पज़ के लिए आप ये बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं देख लूँगी मुझे जो चीज़ें जहाँ पे कन्वीनियंट होंगी वहाँ मैं ये एडजस्ट कर लूँगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमट जाएंगी। तो ये कहते हैं कि लेडीज़ फजूल खर्ची करती हैं और बहुत शॉपिंग करती हैं, ऐसे फजूल खर्ची नहीं, जो भी चीज़ें होती हैं वो डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो मुझे वहाँ पर एक चीज़ पसंद आई वो थे ये हैंगर्स। ये यूट्यूब पे मैं चाइनीज़ वीडियोस देख थी न्यू इन्वेंशंस की और मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि छोटी स्पेस में जो है वो किस तरह चीज़ें अरेंज करते हैं। और ये मैंने हैंगर देखा था, मैंने कहा पता नहीं पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, तो मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगी। और ये मुझे नज़र आया तो इसके साथ हुआ ये कि मैंने एक ये परचेज़ किया और जब मैं काउंटर पर बिल पे करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ये एक तो नहीं मिलता, और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा क्या मतलब एक नहीं मिलता है, उन्होंने कहा इसका सेट आता है। तो मैंने कहा सेट, और मेरे जहन में था वहाँ पे तो सेट में कोई 12 पीसेस लगे हुए थे, तो 12 पीसेस की तो मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये 2 का सेट होता है, फिर मैंने कहा चले मुझे इसका सेट ला दें। तो ये 2 तरफ से आप इसको लगा सकते हैं, एक आप इसको यूँ करके लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मूवेबल है इसका हैंडल, ठीक है। और अगर आपने यूँ नहीं लगाना है इसका, ये आप ये देख सकते हैं, यूँ करके आप लटकाएंगे और ये यहाँ पे स्पेसेस बनी हुई हैं, तो जो बाकी दूसरे हैंगर्स हैं वो आप इसमें यूँ करके अटैच कर सकते हैं। इस तरह चीज़ें आती जाएंगी और यूँ आपकी जो है कबर्ड में स्पेस नहीं होगी और इस तरह आप अपनी सारी चीज़ें इसमें अरेंज कर सकते हैं। सो इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये मुझे ₹200 का पर पीस जो है मिला है, यानी ये 400 रुपीज़ में जो है मैंने 2 हैंगर लिए हैं। और ये जो है कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि कबर्ड में आपकी जो है चीज़ें बहुत सिमट के सिक्योर हो जाएंगी
और स्पेस भी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, लंबाई की तरफ से भी और चौड़ाई की तरफ से भी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और दिल कराता है, न्यू इन्वेंशन की चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, जो भी नई चीज़ होती है वो मैं परचेज कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है, डिस्पोजिबल ग्लव्स एंड हो गए थे, सो ये लाइफ केयर वालों के मैंने डिस्पोजिबल ग्लव्स लिए हैं, और ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे मिन्स मीट वगैरह की या स्पाइसेस की बाइंडिंग करनी होती है, पैटीज वगैरह बनानी होती हैं, और चूंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं ये डिस्पोजिबल ग्लव्स यूज़ करती हूँ, जिससे जो है मेरे स्किन पे मुझे ना इरीटेशन होती है ना रैशेस पड़ते हैं। सो ये एक मैंने ये परचेज किया है। और इसके अलावा जो है, मैंने ये कैल्सी और एप्कॉल ली है। ये मैं बैग में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने से। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अवॉइड करें कोल्ड ड्रिंक पीने से, ये हड्डियों के लिए नुकसानदेह होती है और इसमें मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना यूज़ करूँ। तो फ्रेश जूसेस हर वक्त हर जगह हर मॉल पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये बड़े सिंपल हैं। इसके अंदर जो हैं टैबलेट्स होती हैं, जो आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर बॉटल में। ये आप देखें, ये मैंने लिया है ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। इसको इस तरह क्रैक करके पानी में डालते हैं, और इसमें जो है ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये विटामिन डी सी से भरपूर है, कैल्शियम भी है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा होता है बजाय सादा पानी पीने के। तो एकदम बीपी लो भी फील नहीं होता। इसी तरह ये एप्कॉल है, इसका भी इसी तरह है, इसमें भी कैल्शियम विटामिन बी डी सी और B6 मौजूद हैं, और ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो इसको मैं रख लेती हूँ। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स थे, लेमन फ्लेवर, बट मैंने दोनों के लिए ऑरेंज फ्लेवर लिया, और ये मेरे बैग में मौजूद होती हैं। सो मैं जो हूँ अवॉइड करती हूँ बाहर से कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड जूस लेकर पीने से। उस पर मैं कहती हूँ कि मैं यही वाली टैबलेट्स यूज़ करूँ। और मैंने जनाब ली है केसर, तो ये केसर मुझे 380 रुपीज़ की जो है मिली है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है केसर। तो ये मैंने ली थी कि ये मैं दूध में डालकर इस्तेमाल करूँगी, ये बहुत अच्छी होती है। ये डेजर्ट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ दूध में इस्तेमाल करने का। और ईरान में तो ये बहुत ज़्यादा मिलती है, बेसिकली जो है आती ही वहीं से है और वहाँ बहुत सस्ती है, और जब तक इस पे टैक्सेस लगते हैं और ये यहाँ पे इंपोर्ट होती है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाती है। सो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये यूज़ करनी है। और कितने लकी हैं ना ईरान के लोग, जो वाफिर मकदार में और इतनी सस्ती और ताज़ा केसर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मैंने शॉपिंग की, उसमें ये एक छोटा सा क्लच मुझे पसंद आया था, ब्रोशी एंड फैशन वालों का। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है बतौर गिफ्ट। तो उसे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे ये एक नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये इसकी स्मॉल पॉकेट है, और आप ये देखें कि ये कार्ड्स रखने की जगह है। और यहाँ पे ये, खैर मुझे वहाँ से नहीं मिले थे, बट जब मैंने ये वहाँ परचेज किया था, तो जो पेमेंट मुझे उन्होंने वापस दी थी वो मैंने इसमें डाल दी। कहते हैं कि कभी भी आप किसी को वॉलेट या पर्स गिफ्ट करें, तो उसको खाली मत गिफ्ट करें, उसके अंदर आप कुछ पैसे डाल कर दें ताकि वो उसके लिए लकी साबित हो। सो मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ जो मैंने सुनी है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये मैंने अपनी बहन के लिए परचेज़ किया, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मैं उसको दूंगी। मैंने कहा इसको पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर लूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें परचेज की इसकी, ये एक मैंने नेट ली है बाथ के लिए, ठीक है।
हाँ, चूँकि मेरे एक लेफ्ट शोल्डर का थोड़ा सा इश्यू हो गया है और बात करते हुए जो है मैं अपनी कमर को सही तरह से वॉशअप नहीं कर सकती हूँ, तो ये मैंने एक नेट ली है और इसको मैं खोल के देखूँ, ये बहुत इजीली हो जाएगी वॉश करने के लिए। जस्ट ये देखिए, ये इतनी लेंथ में आ जाएगी और इसको जो है आप बॉडी सोप में डिप करें और इसकी खूब सारे इसमें फोम बनेगा और बैक साइड पे आप इसको लेकर यूं यूं करके यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कहा चलो ये ले लूँ, अब मेरी तकलीफ शोल्डर की तो जब जानी है तब जानी है। इसके अलावा जो है मैंने ये एक पफ पैक लिया है, ये पफ पैक लिया है मैंने। इसमें मैंने डालना है टेलकम पाउडर और ये मैंने लिए है मेडोरा वालों का टेलकम पाउडर, तो ये इसमें डालकर मैंने यूज़ करना है। इसका रीज़न ये आप समझ रहे होंगे मैंने किसी बच्चे के लिए लिया, बिल्कुल नहीं, ये लिया है मैंने अपने लिए। गर्मियाँ होती हैं और मुझे स्वेटिंग अज हद होती है, स्पेशली अंडर आर्म्स में, तो उसके लिए मैंने लिया है ताकि मुझे जब भी इस तरह महसूस हो, क्योंकि वो कपड़े जब गीले हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो ये पाउडर पफ पैक लेकर आप इस तरह लगा लें और उतने हिस्से में बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, ना स्वेटिंग की स्मेल आएगी, ना आपको शर्मिंदगी होगी जब आप किसी गैदरिंग में बैठे होंगे। तो ये एक चीज़ मैंने परचेज की। इसके अलावा जो है मैंने हेड मसाज के लिए ये वायर हेड मसाजर परचेज किया है और ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं इससे मसाज करती हूँ। मैंने इसको ट्राई करके देखा था, फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि काम करते हैं, बाहर से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई गेस्ट आ जाए और जब वो जाता है तो सर में हल्की हल्की सी जो है पेन शुरू हो जाती, तो इससे मसाज करने से पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको किसी किस्म की जो है टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ये होता कि जी बच्चे शोर ना करें, जी हमारे सर में दर्द है, बिल्कुल भी नहीं। आप इससे मसाज करके देखें और जो है बिल्कुल आपको जो है ना आराम महसूस होगा, बिल्कुल ये इस तरह नरम से स्किन पर हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लें। इसके अलावा जो है मुझे ये एक फेस मास्क नज़र आए थे, ये सिल्वर है, फ्रेश ग्लो वालों का पील ऑफ वाइटनिंग मास्क है और एक ये गोल्ड में है, तो मैंने ये ट्राई करने के लिए इनके मिनी पैक्स लिए हैं, तो इसको मैं ट्राई करूँगी और देखूँगी कि सिल्वर और गोल्ड दोनों में क्या फ़र्क है और क्या ये स्किन पे इफेक्ट होते हैं, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इनके रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा है मेरा हैंड लोशन एंड हुआ हुआ था पॉन्ड्स का, तो ये मैंने एक मिनी पैक लिया है हनी लोशन, तो ये मैं अपने बैग में रखती हूँ और मेरा मास्क मड मास्क एंड हुआ हुआ था, तो ये मैंने मड मास्क का पाउडर लिया है और रात को रोज़ाना सोने से पहले मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ, कि सारा दिन हम लोग धुएं में मिट्टी में काम कर रहे होते हैं सेहन की सफाई वगैरह, क्योंकि बैक साइड पे जो है काफ़ी बड़ा हमारे घर में सेहन है और दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो मिट्टी बहुत उड़ती है और दिन में 2 दफ़ा साफ़ करना पड़ा, तो ये मड मास्क मैं ले लेती हूँ और मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है ख़राब ना, काफ़ी सेंसिटिव स्किन है और ये मड मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं रोज़ वाटर के साथ यूज़ करती हूँ और मैंने ये एक बॉडी स्प्रे लिया है फॉगी वालों का, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ, एक अदद लाजमी होता है, तो ये एंड था ये भी मैंने ले लिया। इसके अलावा जो है मैंने ली है इनर कैप और ये दारुल लिबास वालों से मैंने परचेज की है, क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है, लोग मास्क पहन के निकलते हैं, तो मैं स्कार्फ से अपना फेस छुपाती हूँ और ये होता है कि जब मुझे स्वेटिंग होती है तो बाल जो है निकल के चेहरे के ऊपर बिखर जाते हैं, तो मैंने कहा कि इनर कैप परचेज कर ली जाए ताकि माथा भी ढका रहे और बाल भी चेहरे पे ना बिखरे, तो ये टाई करने वाली कैप है, इसको आप माथे पे पहनकर और पीछे से इस तरह टाई कर लें और ये कॉटन मटेरियल में है, तो इससे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये मैंने ट्राई की थी, तो ये एक परचेज़ मैंने कर ली। और फिर मैं सिस्टर से कह रही थी कि मैंने एक क्यों परचेज़ की, मुझे इसकी जो है 2 परचेज़ करनी चाहिए थी, तो
बहरहाल जब भी आप बाजार जाते हैं कुछ ना कुछ नया नजर आता है। तो इन्हें क्या जो मैंने परचेज की, तो वहाँ पर मुझे जो है ये नेक्स्ट शॉप पर शलवारें नजर आएंगी और ये रेडीमेड है, मतलब सिली सलाई है। तो मैंने एक परचेज कर ली, मैंने कहा इसको मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि जितने का आप कपड़ा लेंगे और फिर दर्जी के पास जाएंगे उसको पे करेंगे तो तकरीबन उतने का ही पड़ जाता है। तो ये मुझे जो है 600 में बेल्ट वाली है, ये देखिए। और इसमें ना सबसे अच्छी बात ये है कि इलास्टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये मैंने एक परचेज की, मैंने कहा इसको मैं ट्राई करूँगी। इसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे डिज़ाइन थे, चिकन के भी थे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ब्लैक ट्राई करूँ, ब्लैक तो हर एक के साथ चल जाती है। तो मुझे ये डेलिकेट सी पसंद आई थी कि इसमें पैंचे में लेस लगी हुई है। तो ये मैंने 600 में एक परचेज़ कर ली। और मेरा दिल था, मुझे पसंद काफ़ी आई थी, एम्ब्रॉयडरी वाली भी थी। मैंने कहा बट पहले एक मैं ट्राई कर लूँ, उसके बाद देखेंगे अगर ये अच्छी रही है, इसका स्टफ़ मटेरियल अच्छा रहा, कॉटन स्टफ़ है, तो उसके बाद जो है ना बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट मुझे और परचेज़ करना है कि नहीं। तो ये थोड़ा बहुत हो ही जाता है डेली ज़रूरत के लिए। आज के लिए बस आपके साथ शेयर करने को मेरे पास इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में, और उसमें हम कुछ नया आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपने भी अगर कोई ऐसी यूनिक शॉपिंग की हो और हमारे साथ शेयर करना चाहें तो इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।